कोविड-19 के लिए बने सेंटर में रखे गए कोरोना संक्रमित मरीजों द्वारा वार्ड की खिड़कियां तोड़ने का विरोध करते हुए अस्पताल कर्मचारियों और उनके परिजनों ने हंगामा कर दिया, जिसकी सूचना पाकर पुलिस अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। दरअसल मामला उस समय सामने आया जब देर रात जिला अस्पताल के कर्मचारियों और उनके परिजनों ने परिसर में आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इन लोगों का आरोप था कि कोविड-19 के लिए बने सेंटर की दूसरी मंजिल से कुछ कोरोना मरीजों ने खिड़कियां तोड़कर भागने की कोशिश की है और ये लोग खिड़कियों पर लटके देखे गए हैं, क्योंकि खिड़कियां स्टाफ कॉलोनी की तरफ हैं, इसलिए लोगों में ज्यादा दहशत है। इस घटना के बाद स्टाफ ने CMO और पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुला लिया। भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे SP City अमित आनंद ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ जाकर कोरोना मरीज से बातचीत की और उनकी परेशानी सुनी, लेकिन उसके बाद भी अस्पताल स्टाफ ने जिला प्रशासन और अपने अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि अगर आज वो लोग हंगामा न करते तो निश्चित रूप से कोरोना के मरीज के खिड़की तोड़कर भाग जाते या फिर उनके परिजनों को भी कोरोना जैसी बीमारी से संक्रमित कर देते। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दिल्ली की रिपोर्ट। मेरा नाम शेखर है जी। आप जिला अस्पताल में तैनात हैं? जी। किस पद में? मैं फोर्थ क्लास एम्प्लॉई हूँ जी। क्या परेशानी हुई है? परेशानी ये हो रही है कि इस बिल्डिंग में पॉजिटिव वाले पेशेंट हैं तो वो विंडो वगैरह खोल रहे हैं और खोल रहे हैं, उतरने की शायद कोशिश करने वाले थे वो, तो हमें ये डर लगा कि हम ही पीछे कैंपस में रहते हैं और पीछे कहीं ऐसा ना हो वो कूद काट के इधर इस तरफ आ जाएं। 50-60 फैमिली पूरे कैंपस में रहती है तो ये लोग क्या करने के मूड में, सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं तो इसीलिए परेशान हुए। सभी लोग निकल के घर से बाहर खड़े हुए देखने लगे कि क्या परेशानी हो गई कि क्यों ऐसा कर रहे हैं जी। फिर क्या नाम है, CMO साहब भी आ गए, उनको भी खबर मिल गई और सर चेक भी कर रहे हैं तो, और बाकी शायद पुलिस प्रशासन से भी कुछ अधिकारी वगैरह आ गए थे, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ क्यों इस तरह से अफरा तफरी हो रही है कैंपस में, तो उन्होंने जो अंदर पेशेंट एडमिट है उन्होंने वो विंडो खोल दी, पीच वगैरह कसते हुए तो वो तोड़ दिए, उन्होंने खोल ली विंडो। अब आगे क्या है उनका सोचना अभी ये उन्हें ही बताओ। तो अभी आप लोग बात कर रहे थे क्या घर छोड़ने के लिए यहाँ से जाने के, क्या वो क्या वो नहीं कैंपस में कल अगर इस तरह ये मतलब कैंपस में ही है पेशेंट सारे तो अब यहाँ पर हम लोगों का परिवार भी रहता है तो हमें अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। हम ड्यूटी अपनी नौकरी तो करेंगे ही करेंगे मगर अपने परिवार को बीच सेफ में सेफ करके ही तो हम लोग काम कर पाएंगे। तो बस यही है कि जिनका भाई अपना अपना घर चले जाएंगे, कोई गांव जाएगा, अपने जैसे भी अपना व्यवस्था करेगा, अपने बच्चों को संभाल लेंगे वो करेंगे। यानी कि आप कैंपस से हट के अपने गांव में कहीं पे जाके जहां भी हमारा परिवार है जहां हम रह सकते हैं यहां से हटा के अपने परिवार को सेव कर सकते हैं भाई वहां जाएंगे। कितने परिवार ऐसे हैं जो जिला अस्पताल में तैनात हैं और यहां पर उनके परिवार रह रहे हैं? कितने परिवार हैं? 100 ऊपर है। 100+ परिवार हैं। 100 से ऊपर ही होंगे। अच्छा, इससे पहले भी देखा गया था कि आपने यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया था, तब आप ये कहा जा रहा था कि जो जमाती की तरफ से जाए? नहीं नहीं, वो बात रास्ते की हो रही थी, वो रास्ता केवल ये कहा गया था कि जो हमारा पहले से ही रास्ता चला आ रहा है, ये क्या नाम है, यही वाला, ये टंकी के नीचे से मंदिर के पास से रास्ता जा रहा है, बस इसके लिए कहा गया था कि ये कॉलोनी में रास्ता भी जाता है, यहीं से पेशेंट भी जाएगा और कॉलोनी के भी लोग जाएंगे तो इन्फेक्शन तो फैलने का खतरा है, तो हमने तो बस यही कहा था कि उधर मंदिर के बराबर से जो रास्ता जा रहा है वो जाए, वहां से चले जाए पेशेंट, ये सिर्फ कैंपस को आने के लिए छोड़ दिया गया भाई, कैंपस में आने जाने वाले, ये कहा था उस समय। तो इस समय देर रात भी आप लोग खड़े हुए हैं, क्या क्या है आपके मन में? क्या नहीं, वो हमारे साहब वगैरह हैं अभी यहाँ पे, CMO साहब भी खड़े हुए, जब हमारे अफसर अभी खड़े हुए तो लोग कैसे अपने घर चले जाएं, साहब खड़े हैं हमारे, इसीलिए हम खड़े हुए थे। कहीं ना कहीं दहशत भी है? नहीं, दहशत तो पर चिंता तो है ही ना, दहशत तो है ही, सब चिंता की वजह से ही तो खड़े हुए। आओ फोटो लेके आओ, शायद बाहर ही होंगे लोग, अंदर चले जाइए। कैंपस में कॉलोनी में सभी लोग खड़े हुए हैं और अंदर सर भी है, वो भी आने वाले हैं। हां साहब आने वाले हैं हमारे, CMO साहब अंदर ही हैं, शायद निकल गए हैं। नहीं है, अरे अंदर है, उन्होंने तो बोला था, आप भी हमारे नोडल अधिकारी, इसीलिए तो हम ना जा रहे हैं। हमने ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.